हेलो एवरीवन, आज मैं 100 रुपीस के सारे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करके एक मेकअप लुक क्रिएट करने का ट्राई करूंगी। मुझे ये वाले मेकअप ट्यूटोरियल्स देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि अगर कोई चीज एकदम पसंद आई तो उसको देख के हम ले भी सकते हैं। जस्ट टू बी डिफरेंट, मैंने मोस्ट ऑफ दीज इंग्लिश में देखे है, इसलिए मुझे ये हिंदी में बनाना था। सबसे पहला स्टेप होगा मॉइस्चराइजिंग, और उसके लिए मुझे मिला निविया का सॉफ्ट वाला क्रीम। मेरी मम्मी ने जब ये पार्सल देखा तो वो भड़क गए कि क्यों एक और डब्बा लिया, घर पे पहले से पड़ा है। Satisfaction. मैं ये साइड इसलिए देख रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा मिरर है, सिर्फ मेकअप लगाते वक्त मुझे वहाँ देखना पड़ेगा, बाकी तो हम बातें करते रहेंगे। काफ़ी लाइट है, डब्बे पे लिखा था लाइट मॉइस्चराइजर, और एक्चुअली लाइट लग रहा है। मुझे मेकअप के वक्त लाइट मॉइस्चराइजर ही पसंद है, क्योंकि अगर हैवी फील होता है ना मेकअप रखने का मज़ा नहीं आता है। फिर थोड़ा सा आईज के ऊपर और नेक पर भी, ऑलमोस्ट अंदर जा चुका है तो मुझे पसंद आया। फिर मुझे लिप बाम के लिए एक बहुत एक्साइटिंग प्रोडक्ट मिला। मुझे मिला बायोटीक का ये आमंड लिप बाम। अभी बायोटीक के बारे में मैंने इंस्टा पे तो काफ़ी पोस्ट और काफ़ी बस देखे, तो मुझे तब से ट्राई करना था। सिर्फ 25 रुपीज़ में देखा तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड। अपना रेगुलर एप्लीकेटर जो होता है ना वैसा ही है, और लिप बाम ट्रांसपेरेंट है। अभी ये लगा दे तो निकाला है तो ज्यादा हो गया। फाउंडेशन के लिए हमारे पास ब्लू हेवन का फाउंडेशन है। इस पे लिखा है कि ये ऑयल फ्री है, मैट फिनिश है, और इसमें सनस्क्रीन भी है, लेकिन कितना SPF है वो नहीं बताया। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया। कवरेज उतना ज्यादा नहीं, मीडियम बिल्डेबल कवरेज है। एक्चुअली मैट फिनिश है क्योंकि मुझे पाउडर लगाने की डेस्परेट नीड नहीं पड़ रही है अभी, सो सुपर्ब। इसका एप्लीकेटर लेकिन थोड़ा वियर्ड है, मतलब मैंने पर्सनली कभी ऐसा एप्लीकेटर यूज नहीं किया है। स्पंज के लिए TS ब्यूटी का एक सेट मिला मुझे, जिसमें दो स्पंजेस थे। अभी मुझे ना ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने की आदत है, तो उसको ना गीला करना पड़ता है यूज़ करने के पहले, बट इसका मैंने इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ा, पीछे नहीं लिखा है कि गीला करना है। इंस्ट्रक्शंस में फर्स्ट स्टेप दिया है, मतलब डायरेक्शंस ऑन हाउ टू यूज़, कि टेक द मेकअप प्रोडक्ट ऑन द स्पंज एंड अप्लाई इट ऑन योर फेस, बस। तो इसलिए मैंने इसको वेट नहीं किया। मुझे ना नेक पे ज़्यादा लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि फिर ब्लेंड बराबर नहीं होता ना, तो नेक में ये अलग अलग शेड्स दिख के आता है, जो फिर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। नॉट बैड। और ये कांच की बॉटल है, 100 रुपये में कांच की बॉटल वाली फाउंडेशन, मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गई। बस इतना काफ़ी है। फाउंडेशन मुझे पसंद है, आई थिंक आई विल यूज दिस अगेन। स्पंज आई एम नॉट वेरी श्योर, काम सही से कर रहा है, लेकिन क्या ये इजी है या ब्रशेस या ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा इजी है? आई डोंट थिंक सो। अभी कंसीलर, सिर्फ एक चीज़ मुझे थोड़ी कंफ्यूज कर गई कि कंसीलर का स्पेलिंग गलत है, मतलब पैकेजिंग के वक्त सही से चेकिंग नहीं हुई मुझे लगता है। इसका पैकेजिंग प्लास्टिक है, इसको यहाँ से रोटेट करना है। वाओ, 100 रुपये के अंदर इतना सारा प्रोडक्ट। मैंने ये शेड उठाया है, काफ़ी क्रीमी है, मतलब इजीली फिंगर्स से स्मज हो गया। मुझे इससे काफ़ी हाई होप्स है। नोज पर, चिन पर, कॉन्टूर के जस्ट नीचे, भूत नहीं लग रही हूँ पता है। वही स्पंज ले रही हूँ लेकिन ऑपोजिट साइड यूज करूँगी। पहले फोरहेड ट्राई करके देखती हूँ। हाँ, ब्लेंड तो हो रहा है। मुझे ना डार्क सर्कल्स थोड़े ज़्यादा हो गए अभी, मतलब पूरा शिफ्टिंग का काम। तो जहाँ पे मैंने कंसीलर नहीं लगा ना वहाँ पे पैचेस दिख रहे थे। कॉन्टोरिंग के लिए ना मुझे अलग से कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, इसलिए मैंने पैनकेक फाउंडेशन ले लिया एक बहुत डार्क शेड में। तो ये टिप है कि आपके स्किन टोन के हिसाब से यू कैन बाय डार्कर शेड कॉन्टोरिंग के लिए, या अ वेरी वेरी लाइट शेड हाईलाइटिंग के लिए। होलोग्राफिक पैकेजिंग एंड ऑल। हाँ, अंदर से ऐसा है, उतना डार्क नहीं है जितना मुझे लगा था कि ये होगा। स्वॉच करके देखते हैं। ये तो आया ही नहीं। मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या इसमें पिगमेंटेशन कम है कि क्या है। मेरा कॉन्टोरिंग का प्लान फेल हो जाएगा मुझे लग रहा है। मुझे ना कंसीलर स्टिक में डार्क शेड उठा लेना चाहिए था,
क्रीम कॉन्टोर बेटर रहता था ये केस में, तो कॉन्टोरिंग का तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए अब हम बेक करेंगे थोड़ा फेस को। इवन दो जो फाउंडेशन इज मैट, लेकिन मुझे थोड़ा सा पाउडर लगाना तो पसंद है। अभी प्रॉपर मेकअप का सेटिंग पाउडर तो नहीं मिला, इसलिए मैंने पॉन्ड्स ले लिया। मेरी फ्रेंड मृदुल शर्मा ये ट्रिक बहुत यूज करती है, तो मुझे वैसे भी ट्राई करना ही था। अब हम नया वाला स्पंज लेंगे, लेंस पे ना आँख बंद करनी चाहिए। बेसिकली मैंने जहाँ पे कंसीलर लगाया था वहाँ पे मैंने प्रॉपरली पाउडर लगाया है, और बाकी सब जगह पे हल्का हल्का। मेरी अंडर आईज ऑलरेडी क्रीज कर चुकी है। अभी वक्त है आई शेडो का। आई शेडो के लिए मुझे मिला ये आई शेडो स्टिक, तो स्टिक कुछ ऐसा दिखता है, इसको स्वॉच करके देखते हैं। ओह काफी पिगमेंटेशन है। आई थिंक शुरू करने के पहले भी बेक निकाल देती हूँ। बेस एक्चुअली अच्छा लग रहा है मुझे। एक चीज़ है कि मेरे डार्क सर्कल्स डेफिनेटली अभी तक विजिबल है, लेकिन मैं नहीं और कुछ कर सकती मुझे लगता है, तो बस अभी आई शेडो से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ब्लेंड करने के लिए मुझे ये ब्रश भी मिला, ये है ब्रश, ओशन कंपनी से है। तो आई शेडो थोड़ा नज़दीक आ जाता है आई शेडो के लिए, तो मैं ना पूरे आँख पर डायरेक्टली ये लगा देती हूँ, और अब इसे ब्लेंड करते हैं। This is not bad. मुझे आई शेडो स्टिक काफ़ी टाइम से ट्राई करना था, तो 100 रुपये में ये कॉन्सेप्ट ट्राई करने को मिल गया, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। पर ना लेंस पहने हुए इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये स्टिक थोड़ा कड़क है। हो गया। और मेरे पास एक आइडिया है, ब्लश के लिए ये शिमर डस्ट मिला है मुझे, बट इससे हम आई लुक में भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैजिकल है यार। हम ना थोड़ा कंसीलर लेते हैं उंगली पे, इतना काफी होगा, और इस पे अभी शिमर डस्ट लगाते हैं। आई थिंक प्रिटी लग रहा है। अब मैं सेम आई शेडो दूसरे आंख पे भी फटाफट लगा देती हूँ ऑफ कैमरा, एंड आई बी बैक। आई थिंक आई लुक काफी बोल्ड हो गया। ये शिमर डस्ट को ना स्वॉच करके देखते हैं, क्योंकि ये ग्लिटर ना हर जगह फैल रहा है। मैंने इनर कॉर्नर्स पे नहीं लगाया था, तो भी मुझे लग रहा है कि उधर है। आई थिंक इसमें काफी बड़े बड़े चंक्स है, इसलिए वो इतना दिख रहा है। अभी लोअर लैश लाइन पे थोड़ा आई शेडो लगा लेते हैं, पेंसिल इसमें ज़्यादा काम आएगा। ये काफ़ी इजी हुआ, अदरवाइज हर बार मैं स्ट्रगल करती हूँ कि मैं लोअर लैश लाइन पे प्रिसाइसली आई शेडो कैसे लगाऊँ। अभी हम करेंगे आईलाइनर। आईलाइनर के लिए मेरे पास ये गाला ऑफ लंदन का ब्राउनिश ब्लैक आईलाइनर है। ओ, बाहर से थोड़ा ड्राई है, लेकिन अंदर से बहुत पतला लग रहा है आईलाइनर, तो मैं इसको थोड़ा मिक्स कर देती हूँ। अरे ये पिंक ग्लिटर ना फैल गया है पूरे आँख पे, अब मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि ये क्या हो गया है। मुझे आज विंग्ड आईलाइनर करने का मूड नहीं है, मतलब आई ऑलरेडी काफ़ी बोल्ड है, इसलिए मैं बस इतना करके छोड़ दूँगी। आई थिंक एंड थोड़ा ज़्यादा जाड़ा हो गया, अभी विंग्ड कर ही देती हूँ ना फिर। ये ब्रश ना कंसिस्टेंट नहीं है। हाँ ये बेटर दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी सेम सामने रिपीट करना है यार। आई थिंक ये रिप्लिकेट हुआ, ऑल दो ये वाला थोड़ा कर्व्ड है, ये वाला थोड़ा स्ट्रेट है, लेकिन मोर और लेस दूर से ना सेम ही लग रहा है, नज़दीक से ऐसा दिखता है। मेरे पास आईज के लिए एक और प्रोडक्ट है, वो है ये मिस क्लेयर का ग्लिमर पेंसिल। आई थॉट कि लोअर लैश लाइन और इनर कॉर्नर्स में करने के लिए अच्छा रहेगा, ये ऐसा दिखता है, इसको स्वॉच करता है। ओ पिगमेंट तो देखो, फर्क तो गिरता है ये करने से। अभी मस्कारा, 100 रुपए के नीचे तो मुझे कोई मस्कारा नहीं मिला, इसलिए मैंने एक ट्रिक यूज किया। मुझे ये ब्रश मिला, ये वेगा का मस्कारा ब्रश है, और मेरे पास आईलाइनर का पॉट तो है ही। इस वाले ब्रश को निकाल देती हूँ, और इसमें इसको डिप करके मस्कारा बन गया मेरा। वो बाप रे, कितना सारा प्रोडक्ट आ गया। फर्क तो पड़ा है, लेकिन उतना नहीं पड़ा। आई थिंक दैट्स प्रोबेबली बिकॉज द आईलाइनर इज वेरी थिन। अभी जो बचा खुचा प्रोडक्ट है ना, उससे आईब्राउज कर सकते हैं। और ये साइड काम कर गया। ओह, लग गया नीचे, लग गया नीचे, लग गया। बट दीज आर द आईज डन।
क्या लगता है, उसको हम ड्राई होने देते फिर निकालते हैं। तो मैं ना थोड़ी स्केप्टिकल हो रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ग्लिटरी है, तो ब्लश के लिए मैं आई शेडो को ही उंगली पे लगा के लगा देती हूँ। लेकिन ये पिंक और ये पिंक सेम है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए टैल्कम पाउडर लगाते हैं इसके ऊपर, तो उसका शेड थोड़ा चेंज हो जाएगा। और अभी थोड़ा हाईलाइट। हाइलाइटर के लिए ना कुछ भी नहीं था यार इसके अलावा, ये भी ब्लू हेवन का शिमर डस्ट ही है, तो मुझे टेंशन आ रहा है कि इतना चंकी ग्लिटर एज अ हाइलाइटर कैसा लगेगा, लेकिन जैसा भी है हमें लगा के देखना है। अरे कोचेला जैसे फेस्ट के लिए तो ये एकदम सही रहेगा, पर रेगुलर वेयर में आई डोंट थिंक सो। क्या है ये, स्पंज से ना ये ब्लेंड नहीं, ये निकल ही जाता है मुझे लगता है। हो गया ब्लश एंड हाईलाइट हो गया। अपना लास्ट स्टेप है लिपस्टिक, उसके लिए मुझे ये L18 की बुलेट मिली। क्या कलर है, बहुत डार्क है बट मेरे पास एक प्लान है, मस्त कलर है, क्वांटिटी भी बहुत सही है, मुझे ब्राउन्स बहुत पसंद है। स्ट्रॉबेरी सेंट है, बूमर खा था ना एग्जैक्टली वही स्मेल है ये। एक्चुअली वन स्वाइप में इतना पिगमेंटेशन इज एक्सट्रीमली गुड, लेकिन ये आई लुक के साथ ये नहीं जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा फाउंडेशन मिक्स करते हैं। पूरा शेड चेंज हो गया कि नहीं, तो ये भी एक ट्रैवल हैक है, सिर्फ एक लिपस्टिक लेके चलोगे ना तो भी उसमें से इतने सारे शेड्स बन सकते हैं। अब इसको और लाइट बनाने के लिए या तो मैट बनाने के लिए इस पर टैल्कम पाउडर लगाते हैं। एकदम सही से मैट हो गया। अभी ये नज़र का टीका निकालते हैं, देखो आसानी से निकल गया, इसलिए उसको ड्राई होने देने का। तो ये है फिनिश्ड लुक। तो मेरे फाइनल थॉट्स ये है कि द ओनली एंड ओनली कंप्लेन आई हैव इज कि मेरे डार्क सर्कल्स उतने नहीं छुपे, लेकिन उसके अलावा मुझे मेरा पूरा फेस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। 100 रुपये का था फिर भी उतना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नहीं लगा कम्पेयर टू हाई एंड प्रोडक्ट्स। इन फैक्ट यूजली एक प्रोडक्ट जितने का आता ना उतने में मेरा पूरा फेस आ गया। तो इस वीडियो में से मेरे सबसे फेवरेट प्रोडक्ट्स है फाउंडेशन, टैल्कम पाउडर और लिपस्टिक। टैल्कम पाउडर ने पूरे लुक को इतना बचाया है ना, और बहुत अच्छा फिनिशिंग दिया, फाइनली बाल खोल सकती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे बहुत खुशी हुई, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक गुड बाय।